उत्तराखंड स्थापना दिवस पर पूरे प्रदेश में जश्न मन रहा है। बता दें कि दोनों पुलिस लाइन में रैतिक परेड का आयोजन किया गया। राज्यपाल और सीएम त्रिवेंद्र कार्यक्रम में मौजूद रहे। मुख्य अतिथि राज्यपाल और सीएम ने रैतिक परेड की सलामी ली। मुख्य सचिव और डीजीपी समेत कई अफसर मौजूद रहे। आज ही के दिन 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य बना था। सीएम त्रिवेंद्र ने उत्तराखंड वासियों को शुभकामनाएं दी। भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के खिलाफ है सरकार, ये कहा सीएम ने। पुलिस के उल्लेखनीय कामों पर सीएम ने बधाई दी। तो आज ही के दिन 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य बना था। सीएम त्रिवेंद्र ने उत्तराखंड वासियों को शुभकामनाएं दी। दो तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर में आप रैतिक परेड का नजारा देख सकते हैं जो पुलिस लाइन में हुई, और वहीं दूसरी तस्वीर में आप उस वक्त की देख सकते हैं जिस वक्त शहीद स्मारक में सीएम पहुंचे थे और सीएम ने शहीदों को नमन किया था। राज्यपाल सीएम त्रिवेंद्र रावत यहां पर मौजूद रहे। तो दोनों पुलिस लाइन की तस्वीरें जहां पर रैतिक परेड का आयोजन हुआ था। ठीक पीछे डीजीपी तो 18वें बसंत की दहलीज पर उत्तराखंड है। उत्तराखंड राज्य गठन के 17 साल पूरे हुए हैं। तरक्की की इबारत में पहाड़ नजारा नेता हुए मालामाल और राज्य कंकाल हुआ है। तो 17 साल में उत्तराखंड ने 8 मुख्यमंत्री देखे हैं। बता दें आपको कि पहाड़ी जिलों से 6 विधानसभा सीटें पलायन की वजह से कम हुई है और 17 साल में भी स्थायी राजधानी का सवाल जो है वो अभी तक हल नहीं हो पाया है। अभी तक यूपी के साथ परिसंपत्तियों का बंटवारा नहीं हो पाया है। इसके अलावा पलायन, बेरोजगारी और शिक्षा का संकट हल होने के बजाय और ज्यादा बढ़ गया है। वहीं स्वास्थ्य और पेयजल का संकट भी हल होने के बजाय बढ़ रहा है। उस समस्या जिसकी तसे 17 साल में उत्तराखंड में 25% सरकारी स्कूल बंद हुए हैं और स्कूलों के अलावा नदियां ही रही, गदेरों पर भी क्रशर प्लांट जो है वो चालू हुए हैं। युवा आमजन ही नहीं, नेताओं का भी यहां से पलायन हुआ है। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के अभाव में 3000 से अधिक गांव जो है वो खाली हो चुके हैं। 2.5 लाख से अधिक घरों में ताले लटके पड़े हुए हैं और वही आपको बता दें कि 4000 से अधिक गांव में अब तक सड़क जो है वो नहीं पहुंच पाई है। सड़क का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। देवभूमि में 75% कृषि भूमि बंजर हो गई है। उत्तराखंड में लगभग 90% जल स्रोत समाप्त हो चुके हैं और वहीं 50% गांव ऐसे हैं जो समाप्त होने की कगार पर खड़े हुए हैं। 47,000 करोड़ रुपए कर्ज के बोझ तले उत्तराखंड दबा हुआ है। राज्य में पैदा होने वाले हर बच्चे पर 38,000 रुपए का कर्ज है। पर्वतीय राज्य में पहाड़ी जिलों की सबसे अधिक उपेक्षा। पहाड़ की आधा दर्जन विधानसभा सीटें भी कम हुई है और वहीं प्रदेश में बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी का आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंच चुका है। हर साल 50,000 नए बेरोजगार तैयार हो रहे हैं और राज्य की जीडीपी की बात करें तो राज्य की जीडीपी 14 गुना बड़ी है, मगर पहाड़ी जिले यहां भी फिसड्डी साबित हो रहे हैं। पर्यटन, ऊर्जा और हर्बल प्रदेश के नारे बने चुनावी जुमला। खनन और शराब के सहारे देवभूमि की अर्थव्यवस्था जो है वो टिकी हुई है। पहाड़ के बजाय अपना विकास करने में जुटे रहे हैं नेता। केवल हारो नहीं, उत्तराखंड की लुटिया डुबोई है। उम्र और अमीरी तो बढ़ी पर विकास में संतुलन नहीं साध पाई सरकारें। मैदान की तुलना में पहाड़ी जनपदों में विकसित हो सकी इन सुविधाएं। उत्तराखंड का स्थापना दिवस है आज और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। पीएम ने देवभूमि को विकास के पथ पर अग्रसर बताया। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी स्थापना दिवस की बधाई दी। उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। दोनों ने ही ट्वीट किया है और ट्वीट करके आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्थापना दिवस की बधाई दी है। तो उत्तराखंड के स्थापना दिवस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी और पीएम ने देवभूमि को विकास के पथ पर अग्रसर बताया। ट्वीट किया गया, ट्वीट के जरिए बधाई दी गई और वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी स्थापना दिवस की बधाई दी है। साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं यूपी के मुख्यमंत्री इससे योगी आदित्यनाथ। चलिए आगे बढ़ेंगे। सचिवालय में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राज्य सचिवालय संघ ने आयोजित कार्यक्रम में सीएम रावत सहित बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने सचिवालय कर्मियों को भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करने की शपथ भी दिलाई। सीएम रावत ने कहा कि भ्रष्टाचार दीमक की तरह है, इसे जड़ से मिटाना होगा। ने कहा कि सचिवालय का काम ये हृदय की तरह है, ये राज्य का हृदय है। अगर थोड़ी देर हाथ पैर काम करना बंद कर दे तो उनको ठीक किया जा सकता है,
लेकिन हृदय एक ऐसी चीज है कि अगर वो थोड़ी देर भी धड़कना बंद करे तो प्राणांत हो जाएंगे, और इसलिए इसको धड़कते रहना चाहिए और राज्य को खुराक देते रहना चाहिए। राज्य के स्थापना दिवस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने प्रदेशवासियों को बधाई दी, और इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी सरकार के नेतृत्व में प्रदेश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। पलायन के मुद्दे पर अजय भट्ट ने कहा कि पहली बार पलायन आयोग बनाकर गंभीर प्रयास किया जा रहा है, वहीं शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार के लिए सरकार गंभीर प्रयास कर रही है। लगातार हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। हॉस्पिटल्स में हर जगह 2 ICU रख रहे हैं हम, जिला अस्पतालों में उसका जीओ कर दिया गया है। और किस तरह से डॉक्टर्स की कमी हो, अध्यापकों की कमी हो, जिसमें कांग्रेस कुछ काम ही नहीं कर पाई अपने सरकार के जमाने में, कैसे प्रतिपूर्ति करें उस पर काम चालू हो गया है। कनेक्टिविटी पर काम चालू हो गया है, और दूर दराज के गाँव में एक भी गाँव 2022 तक नहीं छोड़ेंगे, 2019 तक नहीं छोड़ेंगे। यहाँ के चुनाव तो 2022 में होने हैं, तब तक तो पूरा ही इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा, ये संकल्प हमने लिया है। तो राज्य स्थापना दिवस के मौके पर खेल विभाग की तरफ से भी महिला क्रिकेटर एकता बिष्ट को खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। वहीं एकता बिष्ट के कोच लियाकत अली को द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा गया। इस मौके पर सीएम रावत ने एकता बिष्ट के माता पिता को 5 लाख का चेक सौंपा, वहीं लियाकत अली को 3 लाख रूपये का चेक सरकार की तरफ से दिया गया। तो क्रिकेटर एकता बिष्ट और कोच लियाकत अली को पुरस्कार से नवाजा गया है। राज्य स्थापना दिवस पर एकता बिष्ट को खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। हरिद्वार में धूमधाम से मनाया जा रहा है राज्य का स्थापना दिवस। ऋषिकुल सभागार में पहुंचे समाज कल्याण मंत्री सतपाल महाराज। कार्यक्रम में लोगों के अलावा कई विधायक और अधिकारी मौजूद रहे। स्थापना दिवस के कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने शानदार प्रस्तुति दी। तो कार्यक्रम में लोगों के अलावा कई विधायक और कई अधिकारी ऐसे थे जो इस दौरान मौजूद रहे। स्थापना दिवस के कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने भी बेहद ही शानदार प्रस्तुति पेश की। तो हरिद्वार में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है राज्य का स्थापना दिवस, और इस मौके पर ऋषिकुल सभागार में समाज कल्याण मंत्री सतपाल महाराज पहुंचे। उत्तराखंड स्थापना दिवस पर शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। शिक्षा, खेल, पंचायती राज और युवा कल्याण विभाग की ओर से खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया। एक महीने तक चलने वाले खेल महाकुंभ में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिनका सभी जिलों में आयोजन किया जाएगा। खेल महाकुंभ की न्याय पंचायत स्तरीय प्रतियोगिताओं में जो है अंडर 10, अंडर 14 और अंडर 17 की ये प्रतियोगिताएं जो है आज से प्रारंभ हो चुकी हैं, और जनपद में जो है एक न्याय पंचायत में जो है जनपद के जो प्रभारी मंत्री हैं उनके द्वारा जो है उद्घाटन किया जाना था, तो उसी के तहत जो है विकासखंड रायपुर की न्याय पंचायत रायपुर में जो है जिले के प्रभारी मंत्री जो है माननीय शहरी विकास मंत्री जी द्वारा जो है इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। हरिद्वार में राज्य स्थापना दिवस समारोह में आंदोलनकारियों का अपमान हुआ है। बता दें कि राज्य आंदोलनकारियों को समारोह में बैठने की जगह नहीं मिली। नाराज राज्य आंदोलनकारियों ने जमकर हंगामा किया। समारोह में जिला प्रशासन की व्यवस्थाएं फेल नजर आई, जमीन पर ही बैठ गए गुस्साए राज्य आंदोलनकारी। समारोह में मंच पर मौजूद कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की मौजूदगी में ये सब कुछ होता रहा। तो जिला प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं की थी वो इस दौरान फेल होती नजर आई, जमीन पर ही बैठने को मजबूर हुए गुस्साए राज्य आंदोलनकारी। तो समारोह में मंच पर मौजूद कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की मौजूदगी में ये सब कुछ होता रहा, और इस दौरान नाराज राज्य आंदोलनकारियों ने जमकर हंगामा किया। आज उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। राज्य स्थापना के 17 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन प्रदेश की कई समस्याएं आज भी जस की तस बनी हुई हैं। पहाड़ों से पलायन, बेरोजगारी, विकास जैसे कई मुद्दे ऐसे हैं जो महज मुद्दे ही बनकर रह गए हैं। हल्द्वानी में आमजन से जुड़ी कई समस्याएं हैं जिसे लेकर यहां के लोग सियासतदान को दोषी मानते हैं। अगर मैं व्यक्तिगत रूप से बताऊं तो कहीं ना कहीं पर जिस भावना से आंदोलनकारियों ने इस राज्य की लड़ाई लड़ी थी, कहीं भी हमें इस राज्य की उस अवधारणा का पूरा होते हुए तो कहीं नहीं दिख रहा है। आज जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, उन हर मुद्दों पर कहीं ना कहीं पर पहाड़ आज भी छला गया लगता है। ये 9 नवम्बर 2000 को जब इस राज्य का गठन हुआ था तो महिलाओं के सपने, युवाओं के सपने, बुजुर्गों के सपने और एक पृथक उत्तराखंड पहाड़ी राज्य जो हमारा बना था उसकी मेरा जहाँ तक मानना है, व्यक्तिगत विचार है कि हमारी कई आकांक्षाएं पूरी हुई हैं, कई पूरी होनी है। जो सपना
इस प्रदेश ने देखा था वो अभी पूरा नहीं हुआ। ये बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक सक्षम होता तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि जैसा 18 साल पहले था हमारा राज्य बना था आज भी वैसा ही है। और 9 नवंबर को इसका 18वां जन्मदिन भी हमारे उत्तराखंड को बने हुए, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि अलग से राज्य बन गया है, ऐसा लगता है कि यूपी में ही है अभी भी, ऐसा लग रहा है। नैनीताल में उत्तराखंड का 17वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। स्थापना दिवस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों और बुजुर्गों के साथ साथ शहर के गणमान्य लोगों ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर नैनीताल विधायक संजीव आर्या और नगर पालिका के चेयरमैन श्याम नारायण ने शिरकत की। इस दौरान स्कूली बच्चों के लिए मैराथन का भी आयोजन किया गया। राज्य आंदोलनकारी को नैनीताल शहर के जो हमारे करीब 100 आंदोलनकारी हैं, इनको कभी भी किसी वक्त भी नहीं बुलाया जा रहा है, और ये कहते साहब प्रशासन ने कि हमने बुलाया, और कुछ आंदोलनकारी जिस यहाँ पर खड़े भी हैं बैठे भी हैं किसी को इन्होंने नहीं बुलाया, और जिलाधिकारी महोदय कहते हमने बुलाया। पार्टी पॉलिटिक्स का विरोध नहीं किया है और ये हर साल का इनका रवैया है। हम जिला प्रशासन को आगाह करना चाहते हैं कि इस तरह की खामियों को अपना दूर कर लीजिए, आंदोलनकारियों का सब्र किसी दिन टूट जाएगा और कभी आंदोलनकारी सड़कों पर आ जाएंगे तो इसका खामिया आप लोग भुगतेंगे। राज्य स्थापना दिवस हम मनाते हैं, उस दिन उनकी पीड़ा उस दिन वेदना हमको देखने को मिलती है। मुझे लगता है कि हमने बहुत सारे संकल्प ले लिए हैं, लेकिन अब संकल्प से सिद्धि की तरफ जाने का समय आ चुका है। उनकी भावनाओं के अनुरूप क्षेत्र के समग्र विकास के लिए और प्रदेश के समग्र विकास के लिए काम करेंगे। और उत्तराखंड स्थापना दिवस पर किशोर उपाध्याय का बयान सामने आया है। उत्तराखंड राज्य का निर्माण का उद्देश्य नहीं हुआ पूरा, यह कहना है किशोर उपाध्याय का। हमसे बहुत सी गलतियां हुई है, आज भी गलतियां दोहराई जा रही हैं। उत्तराखंड सिर्फ उत्तराखंडियों का नहीं बल्कि पूरे देश का है। देश की 40% आबादी की प्यास बुझाता है उत्तराखंड, ये कहा किशोर उपाध्याय ने। उत्तराखंड का आज राज्य स्थापना दिवस है। 17 साल पूरे हो चुके हैं, 18वें में प्रवेश हो चुका है, लेकिन कितना कुछ बदला यूपी से अलग होने के बाद। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता किशोर उपाध्याय जी हैं। उपाध्याय जी, आपकी सरकारें भी रहीं, एनडीए की सरकारें भी रहीं, केंद्र में ऐसा हुआ कि दोनों बार एक ही पार्टी की सरकार थी जब बना, अब भी एक पार्टी की सरकार, और आपके 10 सालों में भी एक लंबा वक्त तक एक पार्टी की सरकार थी, लेकिन किस हद तक बदल पाया? मुझे चिंता इस बात की है कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन को आरंभ करवाने में मैंने भी जैसे श्वेत बंधु में गिलहरी की भूमिका थी, वैसे मेरी भूमिका भी थी, तो इसलिए मुझे बड़ा कष्ट होता है अगर ठीक नहीं होता है। इसलिए हमने उससे पहले पहली तारीख को 9 दिन पहले राज्य सरकार को, उत्तराखंड के लोगों को, केंद्र सरकार को ये निवेदन करने के लिए कि हमको ठीक करना है, इसलिए उत्तराखंड विमर्श एक बड़ा कार्यक्रम भी किया था। समाचार प्लस को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, किशोर उपाध्याय जी की माने तो उत्तराखंड सबका है, ना सिर्फ उत्तराखंड वासियों का बल्कि पूरे भारत का, क्योंकि भारत के भाल के तौर पर, चीन की सीमा के तौर पर, गंगा जमुना की उद्गम के तौर पर उत्तराखंड को याद किया जाता है। लिहाजा उत्तराखंड को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए मिलकर प्रयास करने होंगे। कैमरामैन केसर के साथ राहुल डवास, दिल्ली, समाचार प्लस। तो पूरे प्रदेश में राज्य स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, और वहीं टिहरी में स्थापना दिवस के नाम पर महज खानापूर्ति की गई। स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी के 5 विधायकों में से कोई भी विधायक मौजूद नहीं था। प्रभारी मंत्री अरविंद पांडे भी कार्यक्रम स्थल पर नहीं पहुंचे। बीजेपी के जिलाध्यक्ष ही मौके पर मौजूद थे, जहां महज 4 आंदोलनकारियों को शॉल भेंट की गई। राज्य आंदोलनकारियों ने बीजेपी नेताओं के ना पहुंचने पर नाराजगी जताई। स्थापना दिवस के मौके पर टिहरी के जिलाधिकारी और सीडीओ ने शहीद पार्क पर आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। बहुत शानदार व्यवस्था की थी, लेकिन सरकार की सुस्ती साफ दिखाई दे रही है। 6 विधायक इस जिले में हैं, 5 सांसद इस प्रदेश में हैं, अध्यक्ष जिला पंचायत यहाँ हैं, और कोई भी उपस्थित नहीं है, स्थानीय विधायक भी उपस्थित नहीं है। यह है शहीदों का सम्मान, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आज कम से कम सरकार का कोई प्रतिनिधि होता, प्रभारी मंत्री होती, ध्वजारोहण होता, लेकिन ये सब नजारा थे चीजें। जिस प्रकार से राज्य सरकार की उपेक्षा का शिकार ये राज्य स्थापना दिवस टिहरी गढ़वाल का टिहरी शहर में मनाया नहीं जा रहा है, उसकी जो अपेक्षा राज्य सरकार द्वारा की गई है, प्रभारी मंत्री का प्रोग्राम था कि उन्होंने वो आएंगे, लेकिन वो भी नहीं आए, और राज्य सरकार जिस प्रकार से इस राज्य स्थापना दिवस के प्रति उदासीन है, उससे बहुत स्पष्ट है कि ये राज्य सरकार हमारे लोगों के प्रति, उत्तराखंड के शहीदों का अपमान कर रही है, उत्तराखंड की जनता का अपमान कर रही है।
हरिद्वार में राज्य स्थापना दिवस पर राज्य आंदोलनकारियों ने अपमान के बाद जमकर नारेबाजी की। दरअसल ऋषिकुल सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में आंदोलनकारियों को बैठने की जगह नहीं मिली, इसके बाद हंगामा शुरू हो गया। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी पहुंचे थे और वही राज्य आंदोलनकारी जमीन पर ही बैठे रहे। इसके बाद मंत्री सतपाल महाराज ने शुरू में ही भाषण देकर कार्यक्रम से वो रवाना हो गए। स्पोर्ट्स कर रहे हैं, नेशनल विंटर स्पोर्ट्स हमारे उत्तराखंड में होने वाले हैं, जो उत्तराखंड के लिए बड़े गौरव की बात होगी। इससे हमारा लाइसेंस भी रिन्यू होगा और इससे जो है पलायन भी रुकेगा और पहाड़ की तरफ लोगों का रुझान होगा कि शीतकाल में हम पहाड़ों की यात्रा करें। और यहाँ स्कीइंग का जो हमारा पूरा प्रोग्राम है, कॉम्प्लेक्स है, वो हम औली के अंदर स्टैब्लिश करने जा रहे हैं। इस राज्य स्थापना दिवस पर यहाँ पर इस कार्यक्रम में बुलाया गया, परंतु खेद है और हम निंदा करते हैं जिला प्रशासन की कि जिन्होंने यहाँ पर आमंत्रण देकर बुलाया, आज उन्होंने घोर उपेक्षा की है राज्य अधिकारियों को, उनको जमीन में बैठने के लिए मजबूर किया है। हम इस प्रकार की जो घोर उपेक्षा राज्य अधिकारियों की हो रही है, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और भविष्य में अगर इस प्रकार के अगर राज्य अधिकारियों को हिसाब किया गया तो हम उसके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करेंगे और राज्य अधिकारी किसी भी प्रकार के इस प्रकार की उपेक्षा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज के वार्षिक उत्सव क्रिसेंड्रो की शुरुआत हो गई है। 3 दिवसीय इस वार्षिक उत्सव के पहले दिन रंगारंग कार्यक्रम पेश किए गए। डीएम दीपेंद्र चौधरी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे एमबीबीएस के छात्र छात्राओं ने लोक संस्कृति के रंगारंग कार्यक्रम पेश किए। नगर पालिका से नगर निगम बनाए जाने का जिन निकायों पर फैसला हुआ है उन पर जल्द ही गाज गिरने वाली है। जिन नगर पालिकाओं को सरकार ने नगर निगम बनाने का फैसला किया है उनके बोर्ड को भंग किए जाने का फैसला लिया जा सकता है। प्रदेश के नगर विकास मंत्री ने साफ कहा कि हम इसमें कानूनन राय ले रहे हैं और जिन निकायों को नगर निगम बनाया गया है उसका बोर्ड भंग होगा। पहलू जान रहे हैं जिसको जो जो ये तो तय है कि जिनका स्टैंडर्ड बनना है वो तो जाएंगे, लेकिन जो जिनका केवल हमने सीमा विस्तार किया है उनके बारे में हमने राय ली है, राय आ जाने तो तब मैं आपको बताऊंगा। हिमाचल में सरकार चुनने के लिए आज वोटिंग की जा रही है। वहीं हिमाचल से प्रचार कर वापस लौटे मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि हिमाचल में बीजेपी 50 से ज्यादा सीटें जीत रही है और हिमाचल में कांग्रेस के भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त है और अब बदलाव का मन बना गया है। हिमाचल की जो स्थिति है वहाँ जिस तर्ज पर करप्शन हुआ है और जो वहाँ की प्रशासनिक तंत्र पूरा फेल्योर था और उसको देख करके जन सामान्य के अंदर बहुत ज़बरदस्त आक्रोश देखने में मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी अपने निर्धारित कार्यक्रमों के माध्यम से अपने 5 वर्ष के कमिटमेंट के आधार पर, संकल्प के आधार पर और केंद्र सरकार के द्वारा जिस तरह का सहयोग हिमाचल को चाहिए उसके आधार पर हम चुनाव के मैदान में हैं। हल्द्वानी में अतिक्रमण को लेकर नगर निगम सख्त हो गया है। लंबे समय से नगर निगम की दुकानों में अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन नकेल कसने जा रहा है। इसके लिए अतिक्रमणकारियों को चिन्हित किया गया है। अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई के लिए नगर निगम ने एग्जीक्यूटिव कमेटी की आपात बैठक बुलाई जिसमें नगर आयुक्त ने कहा कि पिछले 10 सालों में प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर अवैध निर्माण और कब्जा किया गया। सोशल मीडिया और कतिपय समाचार पत्रों के माध्यम से जो है बार बार समाचार आ रहे थे कि निगम की कुछ दुकानों में पुनर्निर्माण की अनुमति दी गई है। मेयर साहब द्वारा भी अनुमति दी गई थी, किसी का मकान यदि चूरा है या अन्य छत टपक रही है या अन्य जर्जर हो गया है तो उसकी अनुमति मेयर साहब द्वारा दी गई थी, लेकिन कुछ लोगों द्वारा जो है उसको जो है अतिक्रमित करते हुए दुकानों को आगे बढ़ा लिया या फिर जो जितना उसको जो रिपेयरिंग होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा बना लिया। राजधानी दून के शिशु सदन में गोद से गिरकर एक मासूम की मौत हो गई। दिल को झकझोर देने वाली ये घटना सामने आई है। इसके साथ ही बालिका निकेतन में भी कई खामियां हैं। शिकायतों के बाद मंत्री यशपाल आर्य ने शिशु सदन का निरीक्षण किया जहां कमियां मिलने पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई। तो बिल्कुल कार्यरत हूँ ही नहीं, मैं बंद कर रखा, हटा रखा मुझे बिल्कुल। इन 2 बच्चों की मृत्यु की जिम्मेदार मुझे ठहराया गया जबकि 23 स्टाफ यहाँ पे मौजूद है, एक सिर्फ मुझे जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और सारे मिलके सबने मिलके मेरा हरासमेंट, मेरा बच्चों का उत्पीड़न 1 साल से पूरा किया जा रहा है और मुझे बहुत परेशान किया जा रहा है। लापरवाही है, तुमने ये किया, तुमने वो किया, अब तो सारा ही मेरे सर में फोड़ दिया। जबकि जो गलत जिसकी गलती है उसको तो बिल्कुल साफ क्लियर कर दिया है। और बेहद खेदजनक है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। देहरादून हमारी राजधानी है और वहाँ पर जो हमारा शिशु गृह है
उसकी बददशा, बच्चों का रहन सहन, बच्चों की शिक्षा जो मैंने देखा, मैं खुद व्यथित हुआ हूँ। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, ये मासूम नौनिहाल जिसे हम का देश का भविष्य कहते हैं, यहाँ पर हमारी जो चाहे वो महिला अधीक्षक हों। राजधानी देहरादून के शिशु सदन और बालिका निकेतन का विभागीय मंत्री ने निरीक्षण किया है, जिसमें कई तरह की खामियां भी उजागर हुई हैं। ऐसे में विभागीय मंत्री ने साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो भी दोषी कर्मचारी या अधिकारी है उनको सीधे दंडित किया जाए, साथ ही कड़ी कार्रवाई भी की जाए। वहीं कई तरह के आरोप और भी लग रहे हैं कि कैसे यहाँ पर कर्मचारी और अधिकारी बच्चों के ऊपर अत्याचार करते हैं, खान पान तक का पूरा ख्याल रखा नहीं जाता है। देखना दिलचस्प होगा कि निरीक्षण के बाद आने वाले समय में किस तरह का सुधार शिशु निकेतन और बालिका निकेतन में होता है। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून समाचार प्लस। राजधानी दून के वीआईपी ईसी रोड स्थित पेट्रोल पंप पर तेल चोरी का मामला सामने आया है, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने पेट्रोल पंप पर जमकर हंगामा किया। वहीं सूचना मिलने पर जिला आपूर्ति अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, जहां पेट्रोल के सैंपल लेने के साथ साथ शिकायतकर्ता के बयान भी दर्ज किए गए। कि कुछ यहाँ पर पेट्रोल पंप पर जो स्कूटर में टूटी ऑयल डलता है पेट्रोल में, टू स्टॉक इंजन में जो टूटी ऑयल डलता है वो कम डाला गया है। तो इसके बाद जब मेरे पास फ़ोन आया तो मैं तत्काल बाटमा निरीक्षक को लेकर के साथ में यहाँ मौके पे पहुँचा हूँ। अब डिलीवरी चेक करें, डिलीवरी पॉइंट से वो तो सही आ रही है, सेल सही आ रही है, बाकी और देखते हैं डेंसिटी वगैरह सब चेक करें।